नमस्ते। नौजवानों की भीड़, उसके जुमलों व प्रचार का नरेंद्र मोदी के करिश्मे के आगे क्या हश्र होता है, यह गुजरात विधानसभा चुनाव और यूपी के चुनाव में देख चुके हैं। हार्दिक पटेल व अखिलेश यादव की जनसभाओं में भीड़ कम नहीं होती थी, लेकिन क्या हुआ? वैसा क्या बिहार में नहीं हो सकता है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले मौजूदा सुर्खियों का सच अजीत द्विवेदी से मेरी इस बातचीत से जाने। अजीत, नीतीश कुमार ने जो अपने संन्यास का जो तुरुप कार्ड चला, उसके सुर्खियों में क्या कुछ अर्थ लगे हैं? क्योंकि ये भी एक रिपोर्ट है कि जो उनका वोट आधार था उसमें एक सहानुभूति, उसमें एक मजबूती आई है, क्या है इस बारे में? ये है, अपनी तरफ से तो उन्होंने तुरुप का कार्ड ही चला है। वो आखिरी दाव था, आखिरी कार्ड था उनका, वो उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरी चुनावी सभा थी इस बार के चुनाव में, और ये वो इलाका है सीमांचल का जहां 78 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। पिछली बार जब नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस तीनों मिलकर लड़े थे तो इस इलाके में 25 सीटें मिली थी जनता दल यू को। तो इसका मतलब कि जो अब तक जो चरण हुए उनमें सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा सीट वाला चरण नीतीश कुमार के लिए ये है। एक दूसरी, ये जो इलाका है वो पचपनिया वोट जो नीतीश कुमार का है उसकी बहुलता वाला इलाका है, वो काफी है, वो जाती 30% तक है, कई सीटों पर 30% 35% तक है। तीसरी बात यह है कि ये मुस्लिम बहुल इलाका भी है, मुसलमान इस इलाके में 27% है औसतन। तो इन तीनों बातों से कुछ ऐसा करना था नीतीश कुमार को कि उसका अधिकतम फायदा वो ले सके, अपने वोट को मैसेज कर सके, मुस्लिम वोट को, पचपनिया वोट को, और अपना जो जीता हुआ, जीती हुई सीटें हैं उनको बचा सके। तो उसके लिहाज से ये उनका बड़ा इम्पोर्टेंट और उनका सबसे कारगर दाव था जो उन्होंने चल दिया कल अपने आखिरी चुनावी सभा में। एक कयास ये भी है, एक अर्थ ये भी निकला हुआ बताते हैं कि नीतीश कुमार ने भाजपा को भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मैसेज दे दिया कि अगर भाई मैंने तो संन्यास घोषणा कर दी, मुझे नहीं बनना है, और अपना अगर संबंध विच्छेद होता है तो ठीक है, मेरा क्या होता है, मैं आगे जो मुझे राजनीति करनी या मुझे जो नया अलायंस बनाना या जो कुछ करना या भाजपा चाहे जो करे, ये भी एक उन्होंने तुरुप कार्ड जो चला है उसका ये भी एक अर्थ है आगे की नतीजों के बाद की राजनीति में। ये असल में ये पूरा तीसरा चरण इस तरह की मैसेजिंग का था, और इस सिर्फ ये तो इन्होंने कह के दिया ही जो आप कह रहे हैं कि हम, मेरा तो कुछ नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि फकीर है झोला उठा के चल देंगे उसी अंदाज में, कि मेरा आखिरी चुनाव है क्या हो जाएगा, होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं है, फिर आप देखिएगा अपना। उन्होंने ये पूरा चरण जो था ये इस तरह की मैसेजिंग का था, जैसे उन्होंने सीए और एनआरसी पर मैसेज किया, उन्होंने कहा कि देखते हैं किसमें दम है देश में से, किसको कौन निकाल देता है। तो योगी आदित्यनाथ आए और उन्होंने कहा कि हम एनआरसी करेंगे और घुसपैठियों को निकाल बाहर करेंगे, और उसके अगले दिन नीतीश कुमार ने कहा कि देखते हैं किसमें दम है कि एक भी आदमी को, देश के नागरिक को निकाल दे। तो ये अच्छा, ये आपको ध्यान होगा कि जब संसद में बहस हो रही थी सीएए पर, जो संशोधित नागरिकता कानून पर, तो जेडीयू ने उसका विरोध किया था। तो ये जेडीयू की एक लाइन रही है जो उन्होंने खुल करके कही। और एक दूसरा इस तरह का प्रतीकात्मक काम जो कल की सभा में नीतीश कुमार ने किया कि उनकी सभा के बीच में अजान होने लगी, शाम की नमाज होने लगी, तो उन्होंने रोक दिया अपना भाषण उन्होंने, और सबको कहा कि सब लोग चुप हो जाएं, और दो मिनट तक सब लोग चुप रहे, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। उस नाते ये सेकुलर वो राजनीति का भी कल संन्यास का अर्थ है, और आगे के अलायंस, आगे के कार्ड, आगे के विकल्प खोलने का भी मामला है। तो इसका क्या उम्मीदवारों में या जो कार्यकर्ताओं में या जो वोट डलवाने की मशीनरी है उसमें भी असर संभव है? उसमें असर होगा, उसमें निश्चित रूप से असर होगा, क्योंकि ये वो इलाका है जिस इलाके में नीतीश कुमार ने बहुत काम किए हैं। उनके ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव इस इलाके से आते हैं, सुपौल से वो विधायक हैं, कई बार जीते हुए हैं, और सबसे पहला जो जिस तरह से नरेंद्र मोदी के कार्यकुशलता की पहचान भुज में आए भूकंप से होती है, वैसे ही नीतीश कुमार की कार्यकुशलता की पहचान कोशी में आए बाढ़ से होती है जो उनके मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद आई थी। वो मुख्यमंत्री हुए थे और सबसे प्रलयंकारी बाढ़ आई थी, और उसको उन्होंने इतने कायदे से, इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया था, तब से कोशी में लोग उनको काफी पसंद करते हैं, मानते हैं उस इलाके में हमेशा वो जीतते रहे हैं। तो उन्होंने काम भी काफी किया हुआ है, तो उनके कार्यकर्ताओं में, उनका जो वोटर समूह है उसमें, उन सब में एक मैसेज ऐसा गया होगा, एक बेचैनी वाला, कि नीतीश कुमार को रहना चाहिए। और ये एक अच्छा रहा कि प्रधानमंत्री ने भी ये लाइन लिखी कि बिहार के विकास के लिए मुझे नीतीश कुमार की जरूरत है। तो इन दोनों का मिला जुला असर वहां अच्छा होने की उम्मीद की जा सकती है। विपक्ष में क्या स्थिति है, महागठबंधन में क्या है, खासतौर पे लालू यादव के मामले में जो सुनवाई हुई और जो मामला टला है, उस सब का क्या असर है?
उसकी वजह से मायूसी है। पूरे राजद के खेमे में एक उत्साह था कि लालू यादव 9 तारीख को रिहा हो जाएंगे। ये जो एक एक ऐसा नियम बना हुआ है कि अगर आपको सजा हुई है और उस सजा में आप आधी सजा काट चुके हैं तो आपको जमानत हो जाती है। तो जिस दुमका मामले में, दुमका कोषागार से पैसा निकालने के मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा हुई थी, उसकी आधी सजा 9 नवंबर को पूरी हो रही है। तो ये सब आदमी इस उम्मीद में था कि 9 नवंबर को तो वो रिहा हो ही जाएंगे हर हाल में, और 10 नवंबर को वो दिल्ली पटना आ जाएंगे और फिर उस दिन काउंटिंग भी है। तो तेजस्वी ने कई जगह सभाओं में कहा कि 9 तारीख को लालू जी पटना आ जाएंगे और 10 तारीख को विदाई हो जाएगी नीतीश कुमार की। तो उसकी सुनवाई आज हुई रांची में हाईकोर्ट में, रांची वो स्पेशल कोर्ट में, और वो टल गई सुनवाई। अब 27 नवंबर को उस पर सुनवाई होगी। तो वो एक झटका है, उससे एक मायूसी है, चुनाव से कल होने वाले मतदान से पहले उसको लेकर के एक मायूसी है, वर्कर्स में भी है और नेताओं में भी है। कल शाम को एग्जिट पोल भी आ जाएंगे, तो एग्जिट पोल को लेकर भी कौतुक है, कितने एग्जिट पोल की तैयारी होती हुई लगती है, कितने का रहे? वो इस बार तो प्री पोल सर्वे सिर्फ दो ही हुए, एक सीएसडीएस लोक नीति ने किया और दूसरा सी वोटर ने किया है। तो आमतौर पर बहुत ज्यादा होते थे एग्जिट पोल, इस बार चूंकि दो ही प्री पोल हुए हैं तो हो सकता है कि एग्जिट पोल भी दो या तीन ही आए, ज्यादा नहीं होंगे। ज्यादा वो कोई ज्यादा रिस्क कोई लेंगे नहीं इस बार, कोई नहीं ले रहा है, क्योंकि पिछली बार सारे एग्जिट पोल वाले, पिछली बार 6 एग्जिट पोल हुए थे और 3 एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत हो गए थे, बाकी 3 भी आंशिक रूप से गलत हुए थे, लेकिन 3 तो पूरी तरह से गलत हो गए थे जो बीजेपी की सरकार बनवा रहे थे। अब जिस मुद्दे पर आज चर्चा है उस पर पहले सुना जाए यह खरा खुलासा। बिहार चुनाव को लेकर यह लाख टके का सवाल है कि जो कुछ प्रचार में दिख रहा है, जिस तरह की हवा चलती दिख रही है, उससे अलग कुछ चुपचाप भी हो रहा है क्या? प्रचार में महागठबंधन का जादू दिख रहा है, हवा राजद और कांग्रेस के पक्ष में चलती दिख रही है। बावजूद इसके जनता दल यू के नेताओं को लग रहा है कि उनका वोटर चुपचाप अपना काम कर रहा है। वैसे भी जदयू का वोटर बहुत बोलने वाला और बहुत आक्रामक नहीं, आमतौर पर महिलाएं और अति पिछड़ी जाति के मतदाता शोर नहीं करते, तो जदयू के नेता चुपचाप तीर छाप की तरह बात कर रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा के नेता जो इस भरोसे में हैं कि अंत में नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा। तभी बिहार में अमेरिका के चुनाव की चर्चा हो रही है, हालांकि दोनों के चुनाव में तुलना जैसी कोई बात नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका में सारे मीडिया समूह भविष्यवाणी कर रहे थे कि जो बाइडेन भारी बहुमत के साथ जीत रहे हैं, वे गलत साबित हुए। प्रचार में और मतदाताओं के उत्साह से भी लग रहा था कि बाइडेन को बड़ी बढ़त हासिल होगी, लेकिन मतदान के अंतिम दिन 3 नवंबर को ट्रंप समर्थक बाहर निकले और मतदान की लाइन में खड़े होकर ट्रंप के लिए वोट कर दिया। बिहार में भी भाजपा और जदयू के नेता ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि प्रचार में और सभाओं में चाहे जो हो रहा हो, पर मतदान के समय लोग लाइन में लगकर चुपचाप उनके लिए वोट कर रहे हैं। इस आधार पर बिहार में ईवीएम से करिश्मा होने की उम्मीद की जा रही है, जैसे 1995 के बिहार चुनाव में हुआ था। कहीं कांग्रेस का हल्ला था तो कहीं भाजपा का, और दो नई बनी पार्टियां आनंद मोहन के बिहार पीपुल्स पार्टी और नीतीश कुमार की समता पार्टी का अलग हल्ला था। और इस हल्ले के बीच लालू प्रसाद ने कहा था कि बैलेट बॉक्स में से जिन निकलेगा, और सचमुच राजद के पक्ष में जिन निकल गया। वह पिछले 30 साल का एकमात्र चुनाव है जब किसी एक पार्टी को साधारण बहुमत मिल सका था। ऐसे ही इस बार एनडीए को जिन निकलने की उम्मीद है। असल में राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की सभाओं में जुटने वाली भीड़ ने आकलन करने वाले सभी लोगों को दुविधा में डाला। उनकी सभाओं में भारी संख्या में भीड़ जुट रही है, भीड़ का रिस्पॉन्स भी शानदार दिख रहा। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार के नारे लग रहे हैं। तेजस्वी एक सभा में 4 से 5 मिनट भाषण दे रहे हैं और थाकते हुए हेलीकॉप्टर पर बैठकर अगली सभा में जा रहे हैं। 4-4 घंटे की देरी से सभाओं में पहुंच रहे हैं और फिर भी लोग डटे हैं, इससे पूरा चुनावी माहौल बदला है। बावजूद इसके बहुत से लोग इसे जीत की गारंटी नहीं मान रहे। उनका कहना है कि लालू प्रसाद की पार्टी में हमेशा से भीड़ जुटती रही और इस बार दो कम्युनिस्ट पार्टियां भी उनके साथ हैं, तो रैलियों की भीड़ का पैमाना नहीं बनाया जाना चाहिए। भाजपा और जदयू को लगता है कि बिहार की महादलित व अति पिछड़ी जातियां यानी सबसे वंचित और कमजोर लोग नीतीश कुमार के समर्थक हैं, महिलाएं भी नीतीश कुमार की समर्थक हैं। ये दोनों वर्ग चुपचाप वोट डालते हैं, इसलिए उनकी हवा नहीं दिख रही। उनका दूसरा तर्क है कि अगड़ी जातियों के जो लोग नीतीश कुमार के विरोध में खूब मुखर हैं, उनके साथ दो समस्याएं हैं। पहली यह कि उनकी संख्या बहुत कम है, और दूसरी वे चाहे जितनी गालियां दें पर उनमें से ज्यादातर को अंत में मजबूरी में जदयू भाजपा को वोट करना होगा।
इसका मतलब है कि अगर अगड़ा वोट कुछ बढ़ता भी है तो बस चिंता की बात है। नीतीश कुमार की पार्टी 2005 से विधानसभा चुनाव में जीत रही है। उनका चुनाव हमेशा 70-30% रहा। वे 70% मतदाताओं के प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़ते हैं। दूसरी ओर उनके विपक्ष में 30% वोट होता है। जब वे भाजपा के साथ रहते हैं तब भी यही समीकरण होता है। हालांकि यह संख्या का गणित है, पर चुनाव के समय संख्या से अलग एक अंतर धारा भी चलती रहती है, जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं होता। आर्थिक बदहाली और बेरोजगारी वक्त की वह हकीकत है जिससे तेजस्वी यादव के एजेंडे की अपील बनती है। सो एक तरफ एजेंडा है तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी का करिश्मा, तब नतीजा क्या होगा? ऐसे विश्लेषक कम नहीं है जो मानते हैं कि अंततः नरेंद्र मोदी के करिश्मे से नतीजे एक तरफा होंगे। जनता और नौजवान अपने अनुभव में चाहे जो सोचे, लेकिन वोट डालते वक्त उन्होंने नौजवान तेजस्वी की बजाय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर ही ज्यादा भरोसा किया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के आगे विपक्ष ढेर होना है। क्या ऐसा होगा? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुब्रत भट्टाचार्य हैं। सुबोध जी नमस्कार। नमस्कार। आपकी इस चुनाव को लेकर क्या धारणा बनी है? अंत नतीजा किधर जाता हुआ लगता है? देखिए, बिहार का चुनाव जो है वो तेजस्वी यादव और ओजस्वी नीतीश के बीच में है। एक तरफ है तेजस्वी यादव, एक तरफ है ओजस्वी नीतीश। अब देखना है कि तेजस्वी जीतते हैं कि ओजस्वी जीतते हैं। नहीं, वो है, लेकिन ये कि क्या ये संभव है कि तेजस्वी के आगे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का करिश्मा वो धीमा पड़े? देखिए, नरेंद्र मोदी की जो छवि है पूरे देश में, उसके सामने तेजस्वी जैसे नए लीडर का उभरना जरा मुश्किल है, क्योंकि तेजस्वी को मैं नीचा नहीं दिखाता हूँ। तेजस्वी ने अपने आरजेडी के अंदर जिस तरह से संघर्ष करके अपनी जगह बनाई है, देखा जाए तो जब शुरू हुआ था तो मीसा भारती थी जिनको लालू जी ने सबसे आगे किया। आज की तारीख में मीसा भारती कहीं है ही नहीं। पहली बात तो तेजस्वी यादव ने अपनी जगह बनाई आरजेडी के अंदर, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपनी जगह बनाई आरजेडी में, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को और लेफ्ट पार्टी को जोड़ के अपना मोर्चा बनाया, मैं उनकी सराहना करता हूँ। परंतु उसके सामने हैं नरेंद्र मोदी जो इतने सालों से कार्यकर्ता रहे हैं, और उनके सामने हैं नीतीश कुमार जिन्होंने 15 साल से अच्छी सरकार चलाई वहाँ पर। वर्तमान में क्या ये नहीं लगता है कि सन 2020 के मौजूदा वक्त में बिहार भी बदला हुआ लगता है? बिहार की राजनीति, बिहार का जो मतदाता वर्ग है वो भी, उसका कंपोजिशन भी बदला लगता है। अब यूथ पीढ़ी ज्यादा है, नौजवान है, जिनको लालू और नीतीश से के ज्यादा आज की मौजूदा चिंता या भविष्य की या बेरोजगारी की, रोजगार की, आर्थिक मुद्दों की, इन सब की चिंता है। इस वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आज बिहार जो बदल गया है, इसको अगर समझना है तो अगर हम माइग्रेंट्स की संख्या देखें तो अभी मैं पीछे देख रहा था कि कितने बिहारी बिहार के बाहर नौकरी कर रहे हैं जी। पहले बिहारी निकलता था तो कलकत्ते की ओर भागता था, बस दैट्स ऑल, या ज्यादा से ज्यादा कानपुर तक आ जाता था। तो इसीलिए अब आज की तारीख में जो 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 अप्रवासी बिहारी हैं दिल्ली में, उनकी संख्या बंगाल के अंदर जो अप्रवासी बिहारी उनसे ज्यादा है। आज जो बिहारी वो एस्पिरेशनल हो गया है, और यहाँ तक कि दिल्ली जैसे शहर में भी छठ की आयोजन करनी पड़ती सरकार को, क्योंकि बिहारी वोटर सिर्फ बिहार के अंदर ही नहीं दिल्ली तक अपना असर दिखा रहा है। तो एस्पिरेशनल जो मामला है, अभी जो यूथ है अब वो पता नहीं कहाँ तक जातिवाद के साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि जातिवाद तो बिहार में रहा है और आज भी है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि नौजवान वोटों के कंपोजिशन से हर वर्ग में अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, महापिछड़े हो, इन सब के बीच में जो नौजवान पीढ़ी है जिनकी उम्मीदें हैं, जो कि जो अभी तमाम तरह की तकलीफ में है, जिनकी इच्छाएं हैं, वो सब जो मौजूदा वक्त है वो आज भी
पुराने सामाजिक समीकरण सोशल इंजीनियरिंग से में ही जकड़ा हुआ है या उससे आगे निकल गया बिहार? बिहार अभी कर्पूरी ठाकुर का बिहार नहीं रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल है, कर्पूरी ठाकुर का बिहार अपने रहा। अगर वो फर्क है तो उसके हिसाब से मतदान अलग तरह का हो रहा होगा। मतदान में जो अब जो नौकरी का वादा है या जो एक जो तेजस्वी ने जो हम उम्र का जो फायदा है वो कुछ असर नहीं कर रहा होगा, लगता नहीं है मुझे। क्योंकि देखिए ऐसा है कि तेजस्वी और चिराग पासवान ये जो दो यंगस्टर्स हैं जो लगे हुए हैं, हो सकता है आने वाले कल में उभर के आ जाएं। आज की तारीख में मुझे लगता है कि उनका प्रयास मात्र रहेगा यहाँ पर। जैसे मेरा मानना है, अगर मैं थोड़ा हट के कहूँ, कि लोग कहते हैं कि बंगाल के अंदर बीजेपी पछाड़ देगी टीएमसी को, मेरा मानना है कि अगले चुनाव में 21 में बीजेपी अपना पैर जमाएगी पर टीएमसी वहाँ पर रहेगी। वैसे ही मेरा मानना है इस चुनाव में तेजस्वी और चिराग पासवान अपना पैर जमाएंगे, परंतु राज सत्ता जो है वो जदयू और बीजेपी की जो गठबंधन है उसी के पास रहेगी। मतलब आपका मानना है कि जो कुछ है यथा स्थिति है, यथा स्थिति में दो नौजवानों के पांव जम जाएंगे, लेकिन यथा स्थिति में नरेंद्र मोदी की करिश्मे के कारण वो सब कुछ बना रहेगा जो चला आ रहा है। बिल्कुल है। ये मानते हैं कि नीतीश कुमार उसमें नीचे हो जाएंगे और बीजेपी का अपर एंड हो जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और मैं समझता हूँ कि किसी भी राज्य के लिए के बंगाल में भी अगर आप देखें, ज्योति बासु ने कुछ सालों बाद अपने आप ही अपना सत्ता छोड़ दिया था और बुद्धदेव भट्टाचार्य को उभरने दिया था। नीतीश कुमार के पास तो कोई बुद्धदेव भट्टाचार्य है नहीं, तो अगर वहाँ पर कोई अगर और को तो हो सकता है कि नित्यानंद राय हों या ऐसे कोई और नेता हों जो कि भाजपा के अंदर भी जो है अगला चेहरा सुशील मोदी का नहीं है, नया कोई चेहरा उभर के आएगा भाजपा से भी। नित्यानंद राय पे मेरी नज़र है क्योंकि वो 52 साल के हैं, केंद्र में मंत्री बन चुके हैं और यादव हैं। उस नाते आपका ये अनुमान है कि नई पीढ़ी तो आएगी, नया चेहरा अगला मुख्यमंत्री होगा भले वो भाजपा से हो, मतलब नीतीश कुमार नहीं होंगे। संभावना है क्योंकि देखिए चुनाव के बाद क्या होता है। अब देखिए, पहले तो चिराग पासवान ने बिल्कुल ही कहा था कि नीतीश कुमार को बीजेपी छोड़ देगी। मोदी ने जाके उसमें कारण कुछ ये भी था कि बीजेपी के अंदर जो अपना अंतर्द्वंद है बिहार के अंदर, एक खेमा जो है वो चिराग पासवान को आगे बढ़ा रहा था, तो मोदी अमित शाह ने जाके अब उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आज की तारीख में मोदी ने साफ कह दिया कि हमारे साथी जो है जेडीयू हैं और बीजेपी थ्रू आउट बोले जा रहे कि नीतीश कुमार ही हमारे फेस हैं। अब चुनाव के बाद क्या होता है मुझे नहीं मालूम। 10 तारीख के नतीजे में कोई अप्रत्याशित बात नहीं होगी, जो मौजूदा यथा स्थिति है उसी में कुछ गठत बढ़त के साथ में भाजपा की प्रमुखता के साथ में सरकार बनेगी, ये आपका निष्कर्ष मानना है? पर ऐसा है कि 10 तारीख को लालू जी भी आ जाएंगे पटना वापस और लालू जी कुछ भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये आप इधर उधर की नहीं, चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा। लालू जी आके वहाँ पर माहौल में क्या बदलाव लाते हैं ये देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी जेडीयू की सरकार नहीं बनेगी, पर बिहार की राजनीति एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज में पहुँचने वाली है क्योंकि लालू यादव जो लौट के आएंगे, अभी ये देखना है कि अभी तो शायद आरजेडी के अंदर वर्चस्व जो है सिर्फ इन्हीं का चल रहा है, तेजस्वी का। अब वो लालू जी के लौटने के बाद क्या समीकरण रहते जदयू के आरजेडी के अंदर, ये भी देखना पड़ेगा। नहीं, आप ये कहीं ये संभावना मानते हैं कि लालू जी आ जाए और नीतीश और जनता दल यू की जरा खराब स्थिति हो तो जनता दल यू और आरजेडी में वापस अलायंस हो जाए? हो सकता है। देखिए, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, यहाँ पर कोई भी जो है दुश्मन नहीं है और जेडीयू और इस चुनाव में देखिए कितने पुराने जेडीयू के लोग आरजेडी के टिकट से लड़ रहे हैं, कितने पुराने आरजेडी के लोग जेडीयू से लड़ रहे हैं, तो और कितने बीजेपी के लोग चिराग पासवान की पार्टी से लड़ रहे हैं। तो वो तो आजकल तो जो राजनीति जो है
वो कुछ वो पहले वो कलकत्ता फुटबॉल लीग में जिस तरह से मोहन बगान ईस्ट बंगाल और मोहन स्पोर्टिंग के खिलवाड़ एक दूसरे क्रॉसओवर करते थे ट्रांसफर सीजन में, तो आजकल वो फुटबॉल का ट्रांसफर सीजन जो अब भी लंदन वगैरह में होता है कि भाई किस टीम का कौन खिलाड़ी अगले सीजन में कहाँ खेलेगा, तो वो ये फुटबॉल ट्रांसफर सीजन जो है आजकल देश की राजनीति में आ गई है। तो इसीलिए किसी को कहना कि भाई आज की तारीख में भाजपा के अंदर जो जो नेता हैं सब भाजपा सब संघी नहीं है, गैर संघी लोग भी आए हैं। कांग्रेस के अंदर जो नेता हैं सब कांग्रेसी नहीं है, वो बाहर से आए हैं। मोहन प्रकाश को देख लीजिए, जैसे जाज मिला हुआ कोई भी कहीं का जाके आजकल बैठ रहा है जिसकी जो चमकीन बैठती है। तो उस नाते आपका मानना है कि 10 तारीख को नतीजों के बावजूद जो आप मानते हैं कि ऐसे नतीजे आएंगे उसके बावजूद उथल पुथल हो सकती है, कुछ अनहोना हो सकता है, उसकी संभावना नहीं हटा सकते। और उथल पुथल के ऊपर मेरा ये मानना है कि नीतीश जी अभी चेहरा जरूर है अलायंस के, परंतु शायद भाजपा के अंदर जो जो यंग तबका है वो शायद कहे कि हमें भी अब हिस्सा चाहिए जो है। जी सुबोजी, बातचीत यहीं समाप्त करेंगे, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे खुशी है जो बिहार की राजनीतिक चेतना जानने सोचने की कसौटी में प्रोग्राम सफल है। आग्रह है, टीवी चैनल पर प्रोग्राम मिस हो तो यूट्यूब पर नया इंडिया टीवी चैनल पर जाकर जरूर देखें। अगले एपिसोड के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नया इंडिया टीवी वे नया इंडिया .com को विजिट करने की भी आदत बनाएं। आग्रह है, अपने सोशल मीडिया से प्रोग्राम को आगे प्रसारित करें। अब फिर अगले एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी।